हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मोम कैंचन सो गाइस यहाँ पर पाँच बजे हम लोग उठ के जा रहे हैं ससुराल एक्चुअली इतने जल्दी उठ के क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बता दूँ क्योंकि इनकी ड्यूटी है सुबह सुबह और ये इतने दिन तक नहीं रुक सकते हैं एक दिन के लिए ही हम लोग आए थे यहाँ पर और यहाँ पर देखो मेरी भाभी दीदी बड़ी मम्मी सब लोग यहाँ पर ही सोए थे एक्चुअली uh, महालक्ष्मी होने के बाद दो तीन दिन रहते ही है सब लोग घर पे तो इसी वजह से चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है और मैं आई थी तो और एक्स्ट्रा एक दिन रहते तो अच्छा लगा था और बस यहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे ये एक लाइन में ही सब लोग देना तो पैर छू रहे थे और बस यहाँ पर बाय करने का टाइम आ गया है गाई सब घर वालों को और यहाँ से निकल चुके हैं बस यहाँ से निकलेंगे उसके बाद ये रेडी होंगे रेडी होके फिर ड्यूटी जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दबाजी है तो इसी लिए इतनी जल्दी निकलना पड़ा और हमेशा का ही रहता है मतलब हमें जल्दी से निकलना पड़ता है अगर रात को हम लोग रुक गए ना और सब लोग रात को निकल नहीं, नहीं देते हैं रात को रुक जाओ रात को रुक जाओ इसी वजह से फिर रात को अगर रुक गए ना तो फिर दूसरे दिन सुबह ही निकलना पड़ता है घर के लिए गाइज़ वेलकम टू माई चैनल टेंशन सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से मेरे माइक से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था बट आज भी रो रहा था हमारा भी निकलने का मन नहीं कर रहा था तो क्या करें कि ड्यूटी है जाना पड़ेगा और इतने सुबह सुबह निकले हम लोग तो पाँच बजे ही उठ गए थे और फिर चाय पानी ये वो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसमें तो अभी कितने बजा साढ़े छः बजे न साढ़े पाँच बजे सॉरी साढ़े छः कैसे बच सकते हैं साढ़े पाँच बजे तो साढ़े पाँच बजे निकल चुके हैं रोड पर ही हम लोग साढ़े पाँच बजे घर पर जाके मिलती हुआ आपसे बस यहाँ पर पहुंच गया है अमरावती किस किस ने ये ट्रेन वाली पटरी पहचान ली है कमेंट करके ज़रूर बताना बस यहाँ पर पहुंच गया है ट्रेन चल रही थी तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ यहाँ पर खड़े रहना पड़ा था और घर पे आ गया है घर पे बच्चों को थोड़ा सा खाने के लिए बना के दे दिया और हम लोग चाय ले रहे हैं इनको जल्दी से जाना है ड्यूटी इन्होंने यूनिफॉर्म रेडी कर दिया तब तक मैंने इधर चाय चढ़ा दी बस हम लोग चाय पी रहे हैं चाय पी लेंगे और उसके बाद ये जाएंगे ड्यूटी क्योंकि अभी बंदोबस्त है जैसे कि गणपति और देवी का बंदोबस्त रहता है आपको तो पता ही होगा जिस दिन गणपति बैठते हैं उस दिन भी बंदोबस्त रहता है जिस दिन गणपति उठते हैं उस दिन भी बंदोबस्त रहता है और अभी दो दिन बंदोबस्त रहेगा तो इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटी है और जल्दबाजी में जाना पड़ा इन्हें बहुत जल्दी जल्दी किया इन्होंने सब कुछ यूनिफॉर्म रेडी किया उधर से आने के बाद यूनिफॉर्म भी रेडी नहीं था इनका Uh, क्योंकि उन उसको वो uh, कुछ लगाना पड़ता है ना वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता वही देखते हैं तो इसी वजह से इतना नहीं पता है मुझे गाइस गुड मॉर्निंग नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे बनाने हैं मोदक तो मैं आज मोदक बनाने वाली हूँ मूंगफली और गुड़ के कल मम्मी के यहाँ पर मूँगफली और गुड़ के मोदक बने थे तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं भी आज बनाती हूँ मूँगफली और गुड़ के मोदक तो अभी मूँगफली भुनती हूँ गुड़ डालती हूँ उसमें पीस लेना है और बस उसके मोदक बनाती हूँ उसके बाद आरती करनी है तो चलिए जल्दी से कामों में लग जाते हैं तो गाइज यहाँ पर मूंगफली मैंने भून ली है उसके बाद क्या करना है वो आपको प्रोसीजर बता देती हूँ अगर आपको बनाने हैं तो अगले साल बना लेना यहाँ पर मैंने मूंगफली को भून लिया था गरम गरम ही थी तो गरम गरम छिलके निकालने में प्रॉब्लम होता है हाथों से तो इसी वजह से मैंने इस तरह का हैंकी लिया और उसमें मूँगफली डाल के थोड़ा सा घिस लिया उससे क्या होता है कि जल्दी से ये छिलके निकल जाते हैं और आपको ठंडा होने का वेट भी नहीं करना पड़ता है अगर आप हाथों से करते हो तो आपके हाथ जल जाएंगे तो ये ट्रिक जरूर ट्राई करना है इससे देखो कितने जल्दी छिलके निकल गया है और आपको थोड़ी सी जलबाजी हो कभी आपको सब्जी में डालना होगा या कभी आपको शाहबुदानी की खिचड़ी में डालना हो तो आपके ये ट्रिक ज़रूर काम आएगी तो एक बार ट्राई ज़रूर करना आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा इससे तो बस यहाँ पर छिलके निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ इस तरह की ये छेद वाली छन्नी ली है मैंने और उससे छान लूँगी ना तो सारे छिलके निकल जाएंगे और सिर्फ ये मूँगफली रहेगी तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ईजी लगती है मुझे अगर आपको भी अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक तो बनता है यार एक लाइक ज़रूर कर देना बस मैंने मूंगफली पॉट में डाल दिए है मिक्सी के और उसमें मैं गुड़ डालूंगी आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना गुड़ डालिए और उसके बाद घुमा लीजिए बहुत ज़्यादा इजी है ये वाले मोदक बनाना और उसके बाद आप इसके मोदक बना सकते हो अभी आप देखो पाउडर जैसा लग रहा है थोड़ा सा और पीसोगे ना थोड़ा सा गर्माट से वो चिकना हो जाएगा और अभी देखो आप इसके ईजीली मोदक बन जाएंगे अगर आपको मोल्ड में बनाना है मोदक तो मोल्ड में भी आप बना सकते हो अगर आपको वैसे बनाना है ट्वेंटी वन मोदक चाहिए तो छोटे छोटे आप ट्वेंटी वन मोदक भी बना सकते हो कुछ कुछ लोग चार पाँच छः ऐसे मोदक बनाते हैं बड़े बड़े से और हम लोग ना छोटे छोटे से ट्वेंटी वन मोदक बनाते हैं हमारे यहाँ पे क्या है कि भगवान को ट्वेंटी वन मोदक का ही भोग होता है तो इसी वजह से हम लोग छोटे 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 ट्वेंटी वन मोदक बना लेते हैं और यहाँ पर देखो मेरे मोदक बन रहा है मोल्ड में भी आप बना सकते हो बट मोल्ड में इतने छोटे छोटे नहीं बनेंगे इसी वजह से मैंने मोल्ड में नहीं बनाए तो यहाँ पर भोग लगा दूँगी और बस इसके बाद आरती करनी है तो आरती की तैयारी करूँगी यहाँ पर माला चढ़ा दूँगी सबसे पहले भगवान जी के कलश को और इसके बाद मैं आरती करने लग जाऊंगी तो बच्चे हैं मैं हूँ और बस हम तीनों ही आरती करेंगे ये तो चले गया है ड्यूटी सुबह सुबह पूजा करके क्योंकि इनका क्या है ड्यूटी इसी टाइम आ जाती है यार और इसी टाइम बंदोबस्त वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है इनका तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि जब भी त्यौहार होता है हम लोग अच्छे से त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं और उसी दिन इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक वाली ड्यूटी होती है तो इनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं जब भी गणपति बिठाने होते हैं उस दिन भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं थोड़ी देर छुट्टी लेके आ जाते हैं गणपति बिठाने के लिए इस बार तो वो भी नहीं हुआ और जब गणपति उठाते हैं उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो उस टाइम भी इनको बोल ही नहीं सकते हैं हम लोग तो चलो कोई बात नहीं होता है हर किसी की ड्यूटी अलग होती है और यहाँ पर मैंने माला चढ़ा दी है गणपति के लिए छोटे से गणपति के लिए हमारे हार भी बना दिया है और मोदक भी बना दिए है सब कुछ हो गया है रेडी अभी हम लोग करेंगे पूजा आरती करेंगे और बस और हाँ कल की अनंत चतुर्दशी है तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल मैंने गणपति का खाना बनाया पूरा जो ट्वेंटी वन का होता है और गणपति को भोग लगाया और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो आप वो ब्लॉग जरूर देखना आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब कुछ हो गया है अच्छे से तो चलिए अभी करते हैं आरती यहाँ पर आरती हो गई है सब कुछ हो गया है और बस अभी आरती लेने की बारी है और भगवान को भोग भी लगा दिया है मोदक का तो चलिए अभी भगवान जी को मोदक खिला देती हूँ और फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ और इस बार कहे तो गणपति पता ही नहीं चले मतलब मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया तो मुझे इतना ज़्यादा खराब लग रहा है इस बार दस दिन तो पता ही नहीं चले ऐसे निकल गए हैं अभी वो तो अपने हाथों में नहीं है क्या कर सकते हैं तो चलिए गाइज यहाँ पर बस जो कपड़े फोल्ड करने बाकी थे इतने दिनों से उस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन भी ऐसे ही कपड़े निकाल के ला के छोड़ दिए थे मैंने और आज के भी कपड़े बहुत सारे थे तो वो सारे कपड़े थे फोल्ड करने के बाकी और मैंने कुछ सूट के इसमें से भी निकाले थे वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर फोल्ड करने के लिए निकाल लिया है ताकि ये फ़ोल्ड करके मैं अच्छे से रख दूँ और उसके बाद मेरा जो बेडरूम है वो क्लीन लगे और हाँ आज मुझे कल की तैयारी भी करनी है जैसे कि पूरन बनाना है पूरन आपको तो पता ही होगा पूरन क्या होता है नहीं पता है तो मैं बताती हूँ जो दाल होती है ना अपने चने की दाल उसका पूरन बनाया जाता है और हमारे महाराष्ट्र में मतलब इसी का कुछ भी हो मतलब जैसे कि त्यौहार वगैरह होना तो इसी का भोग लगता है और त्यौहार वगैरह हो तो इसकी रोटी बनाई जाती है तो यहाँ पर मैंने चने की दाल डाल दी है एक गिलास मैं आपको रेसिपी बताती हूँ पिछली बार रेसिपी नहीं बताई थी तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि दी आप पूरन कैसे बनाते हो तो एक बार ज़रूर बताना तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ इसकी रेसिपी कैसे बनाती हूँ मैं बस पूरन के लिए दाल डाल दी है इसको दाल को पकाना है जब तक तीन चार विसल नहीं आ जाती है तब तक आपको दाल को पका लेना है और फिर दाल जब पक जाएगी उसके बाद की प्रोसीजर आपको बताती हूँ यहाँ पर दाल पक गई है और मैं आपको दिखाती हूँ दाल किस तरह से आपको चाहिए वैसे उसके बाद आपको दाल को पीस लेना है गरम पीसना हो तो गरम आप मतलब थोड़ा सा ठंडा होने देना उसके बाद पीसना यहाँ पर गरम गरम ही है बट मुझे इतना टाइम नहीं था तो मैंने गरम गरम ही मिक्सी के पॉट में डाल दी और बहुत बार ऐसे होता है और मेरा तो ऐसे ही होता है मुझे बहुत जल्दबाजी में सारे काम करने पड़ते हैं तो यहाँ पर मैंने गरम गरम ही दाल डाल दी तो थोड़ा सा आप देखना जब गर्म दाल डालते हो ना तो ऊपर से एक कपड़ा लेके अच्छे से उसको पकड़ लेना ताकि वो स्टीम से बाहर ना निकले तो यहाँ पर दाल पीस चुकी है और इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है छींकना वाला तो इस तरह से पेस्ट जब बनाओगे ना उसके बाद की प्रोसीजर क्या होगी वो भी आपको बता दूँगी बट पहले आप पूरी दाल का पेस्ट निकाल लेना यहाँ पर मैंने लिया है घी और घी थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल दूंगी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही डाला है थोड़ा और बस उस घी में आपको वो दाल डाल देनी है जो हमने पीस के रखी है और अच्छे से चला लेना है इस दाल को हमें अच्छे से चलाना होता है और जो बची हुई दाल वो भी मैं पीस लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से चलाती रहूँगी और इसमें हमें ऐड करना है देखो मैंने जो बची हुई दाल है वो भी पीस ली है और इसमें ऐड कर दी है और इसे बहुत देर तक आपको चलाते रहना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता मतलब नीचे नहीं लगने देना है चलाते जाना है चलाते जाना है थोड़ी सी मेहनत है इसमें बट इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है मतलब ये पूरन की रोटी और बहुत ज़्यादा हम आपको भी पसंद आएगी और हमें तो हम महाराष्ट्रियन तो बचपन से खाते आ रहे हैं इसे तो हमें तो अच्छी लगती ही है बहुत लोगों को नहीं पसंद है बट इस तरह से अगर आप पूरन बनाते हो ना दो तरी, एक तरीके हैं पूरन बनाने के एक ये तरीका है और एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इसी वजह से इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है जितना आप बोलते हैं ना चीनी डालोगे उतना ही मीठा बनेगा तो वैसे ही है आप जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा बनेगा जो भी चीज़ आप मेहनत से बनाओगे तो वो अच्छी तो बननी है तो यहाँ पर देखो आ, मैंने चीनी ऐड कर दी है जितना मैंने एक गिलास दाल ली थी तो एक ग्लास के लिए मैंने थोड़ी सी आ, देखो एक ग्लास चीनी ली है वही ग्लास से नाप के और थोड़ी सी और ज़्यादा ऊपर से डाल दी है जितनी मैंने आपने देखी तो उतनी मैंने चीनी डाल दी है आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी सी और डालिएगा अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक पसंद है नॉर्मल तो आप उतनी ही डालिएगा और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो एक ग्लास के लिए आप डेढ़ गिलास चीनी डाल सकते हो डेढ़ गिलास या सवा ग्लास आप चीनी डाल सकते हो तो डेढ़ ग्लास मत डालना सवा ग्लास ही डालना तो यहाँ पर मैंने इलायची ली है और इलायची कूट के इलायची का पाउडर भी उसमें डाल दूँगी और उसके बाद जायफल हो आपके पास तो जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और उससे आपके गैसेस के प्रॉब्लम भी नहीं होते हैं चने की दाल से बहुत लोगों को गैस के प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होते हैं उससे और इलायची का भी वही है इलायची से भी आपको गैसेस के प्रॉब्लम नहीं होगा और टेस्ट भी बढ़ेगा यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक इसे अच्छे से चलाती रही और देखो पेस्ट कितना ज्यादा गाढ़ा हो चुका है ऐसी कंसिस्टेंसी होने तक और इतना चिपचिपा होने तक आपको चलाते जाना है चलाते जाना है और तब जाके आपका पूरन अच्छे से बन जाएगा और देखो यहाँ पर कितना अच्छे से चिपचिपा हो गया है और अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है और यहाँ पर मैंने साइड में अद्विक के लिए और माही के लिए ये आलू की सब्जी भी बना के दी थी तो बस ये अद्विक और माही को दे दूंगी खाने के लिए और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊंगी उसके बाद और वो पूरन भर के रखना है और सुबह उसकी रोटियां बनानी है तो वही थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है जब हम लोगों को ज़्यादा खाना बनाना होता है ना तो उस दिन सुबह उठ के और सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो आप कल का ब्लॉग देखना आपको पता चली जाएगा कि क्या क्या बनेगा कल के ब्लॉग में बहुत ही अच्छे से सब कुछ बनाना पड़ता है भगवान जी के लिए तो अभी अधविक खाना खा रहा है थोड़ी देर के बाद माही भी खाना खा लेगी और रात हो चुकी थी मतलब रात को ही बना के रखा था मैंने पूरा अगर सुबह बनाते हो ना बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है और इसी वजह से मैं रात को ही बना के रखती हूँ जब भी त्यौहार होता है ना त्यौहार के दिन बनाना होता है तो रात को ही बना के रखती हूँ दूसरे दिन का टेंशन नहीं होता है मुझे फिर क्योंकि इसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसी वजह से यहाँ पर स्टीम ले रही है देखो क्या हो गया आपको हो रही है। जुकाम सा लग रहा है माही को इसी वजह से और सुबह सुबह जब भी हम लोग उठ के आते हैं ना मायके से ये बर्थडे के तो जब भी हम लोग उठ के आते हैं ना सुबह सुबह तो ऐसी ठंड लग जाती है तो फिर एक दिन तो हमें ऐसी स्टीम लेनी पड़ती है ले लो आप स्टीम तो चलिए गैज अभी सोना है मुझे और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि फिर सुबह गणपति का खाना मीन्स वही घर पे ही गणपति को भोग लगाने वाली हूँ जो भी गणपति का खाना होता है वो अभी फ्रेश हो जाती हूँ मतलब फेस वॉश वगैरह करती हूँ अपना स्किन केयर करती हूँ अच्छे से और सो जाती हूँ तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही करती हुँ, मिलती हुँ, अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा बेल बेलाइकॉन को दबाना मत भूलना अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और जैसे आदविक ने बताया वैसे करना बेल बेलायकॉन को जरूर दबाना साइड में जो बेल बेलाइकॉन होता है उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन आप जरूर कर लेना तो चलिए फिर बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय बाय कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे रखते रहो आप यहाँ पे चल ले सारे <laughs> चलो फिर बाय 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 ध्यान रखना अपना